हाय, दिस इज रुचिशा, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है वेजिटेबल तंदूरी पुडला सैंडविच। तो आइए देखते हैं कैसे बना है। वेजिटेबल तंदूरी पुडला सैंडविच बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो है ब्रेड, बटर, अमचूर पाउडर, कसूरी मेथी, ब्लैक सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, हंग कर्ड, गरम मसाला, अजवाइन, जीरा पाउडर, बेसन, वेजीज में मैंने यहाँ पे कैबेज, कैप्सिकम और टमाटो लिया है, सॉल्ट, ऑयल, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी। सबसे पहले हम तंदूरी मैरिनेट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 1 स्पून जितना रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, मिक्स कर देंगे इसे। वन टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून जितना गरम मसाला, 1/2 स्पून जीरा पाउडर, 1 स्पून जितना कसूरी मेथी, 1/3 स्पून अमचूर पाउडर, 1/3 स्पून ब्लैक सॉल्ट, ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब इसमें हंग कर्ड ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तंदूरी मैरिनेट हमारा रेडी है। अब हम बेसन का बैटर बनाएंगे। चने का आटा लिया है मैंने यहाँ पे, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर, 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, 1/3 स्पून अजवाइन ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, सॉल्ट मिक्स कर देंगे। पानी ऐड करेंगे और एक थिन पेस्ट जैसा बैटर बनाएंगे। थिन बैटर हमारा रेडी है। मैंने यहाँ पे वेजीज लिए हैं, कैबेज, कैप्सिकम और टमाटो, ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे, कोरिएंडर लीव्स ऐड करेंगे, 1/2 स्पून जितना लेमन जूस ऐड करेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो इसे आप स्किप कर सकते हो। अच्छे से मिक्स कर दें। सारी चीजें हमारी रेडी है। अब हम पुडला सैंडविच बनाएंगे। नॉनस्टिक पैन लिया है मैंने, ब्रेड का एक स्लाइस लेंगे, अच्छे से बैटर में डिप करेंगे। इसे प्रेस करेंगे, फ्लिप कर देंगे। जो तंदूरी मैरिनेट हमने बनाया था वो लगाएंगे। ऑप्शनल है, बटर ऐड करेंगे। अच्छे से प्रेस कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। अच्छे से कुक होने देंगे।
नूडला सैंडविच हमारी रेडी है, अब हम इसे सर्व करेंगे। मैंने इस पर थोड़ा सा चीज़ ग्रेट किया है, वो भी टोटली ऑप्शनल है। वेजीज तंदूरी पुलाव सैंडविच हमारा रेडी है।